महिला और पुरुष एक समान है, उनमें भेदभाव बंद करो। महिला सशक्तिकरण की बात करो, इस पर काम भी हो रहा है। देश के कानून व्यवस्था से लेकर कई क्षेत्रों में महिलाओं को मजबूत बनाने पर काम भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ घटनाओं ने पुरुष के साथ हो रहे भेदभाव से जुड़े सवाल को खड़ा कर दिया है, जिस पर आज के समय में ना ज्यादा बात होती है और ना ही किसी का ध्यान जाता है। न्यायिक तंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है कि जब तक किसी आरोपी का दोष साबित ना हो, तब तक उसे पूरी तरह से बेकसूर माना जाता है। ऐसे में जब यौन उत्पीड़न के मामले में पुरुष अपराधी होता है, तो उसकी पहचान से लेकर उसकी जीवनी को जनता के सामने रख दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब टीआरपी की भूखी देश के एजेंडावादी मीडिया अपने हित के लिए इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उस पुरुष की बजाय आरोप लगाने वाली महिला ही दोषी साबित होती है, तब सभी के मुंह पर ताला लग जाता है। यहाँ तक कि हमारा कानून भी महिला की पहचान को छुपाता है, ताकि महिला के सम्मान पर कोई आंच ना आए। अब सवाल यह है कि क्या पुरुष का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है? क्या उन्हें समाज के ताने सुनने को नहीं मिलते? जब तक आरोप साबित ना हो, तब तक क्यों किसी पुरुष की पहचान को सभी के सामने खोलकर रख दिया जाता है? लेकिन अगर कोई महिला दोषी हो, तो उसकी पहचान को क्यों छुपा दिया जाता है? अभिनेता करण ओबेरॉय पर लगे कथित रेप के मामले में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। करण ओबेरॉय के खिलाफ दर्ज कराए गए कथित रेप केस की सच्चाई सामने आने के बाद एक बार फिर देश में समान लैंगिक कानूनों को लेकर बहस गर्मा गई है। दरअसल जिस महिला ने करण ओबेरॉय पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था, अब वही मामला शक के घेरे में है। पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे रेप से संबंधित कानून का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जाता है, और कानून इतने सख्त हैं कि अपने आप को निर्दोष साबित करने की सारी जिम्मेदारी पुरुषों पर ही आ जाती है, जो न्यायिक तंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्ष 2012 के निर्भया रेप केस के बाद देश की संसद पर यौन शोषण और रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने का दबाव बना, और तब IPC एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जैसे कानूनों में बड़े बदलाव किए गए। उस समय कानून की धारा 354 IPC में बदलाव करके चार भाग बनाए गए, जो कि IPC की धारा 354A, 354B, 354C और 354D है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कानून में बदलाव के बाद महिलाओं के लिए पुरुषों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराना आसान हो गया। चूंकि इस नियम के तहत महिलाओं की पहचान को उजागर नहीं किया जाता है, तो महिलाओं ने भी अपने साथ हो रहे अत्याचार या अन्याय को या यौन उत्पीड़न के मामलों को सामने रखना शुरू कर दिया। हालांकि इसके भी कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें हमने पाया कि इस कानून का दुरुपयोग किया गया। वास्तव में इन बदलावों में बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत रूप देना और रेप के मामलों में न्यायाधीश को असहमति की धारणा बनाने की शक्ति देना शामिल था। विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि निर्भया रेप केस के बाद देश की संसद ने जल्दबाजी में कानूनों में बदलाव किए और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। इसी बात का उदाहरण हमें करण ओबेरॉय केस में देखने को मिला है। एक महिला ने करण ओबेरॉय पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया और 6 मई को उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। महिला ने अपनी शिकायत में अभिनेता पर रेप और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। इसी महिला ने कुछ दिनों बाद पुलिस से एक और शिकायत की और बताया कि उन पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया और धमकी दी कि वो अपना केस जल्द वापस ले ले। 2 दिन बाद CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने उन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यह बात सामने आई कि उनमें से एक हमलावर वकील का ही भाई था और महिला ने वकील के साथ मिलकर अपने ऊपर हमला कराया था। अब इस घटना से इस बात का संदेह और बढ़ जाता है कि कहीं उस महिला ने जानबूझकर करण ओबेरॉय के खिलाफ दूसरा झूठा केस बनाया ताकि करण पर लगाए गए आरोपों को बल मिल सके, लेकिन महिला की ये कोशिश नाकाम रही। करण ओबेरॉय पर लगाया गया यौन उत्पीड़न का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है और वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। करण ओबेरॉय पर लगे आरोप सही है या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। यदि कल को करण यौन उत्पीड़न मामले में निर्दोष साबित हो जाते हैं, तब भी महिला की पहचान सामने नहीं आएगी,
लेकिन करण के सम्मान पर जो दाग लगा और जो उन्हें इस दौरान झेलना पड़ा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। झूठे आरोप लगाने वाली महिला फिर भी सम्मान की जिंदगी जिएगी। अब करण दोषी है या नहीं ये फैसला अदालत करेगी, पर हमारे समाज में कानून का दुरुपयोग करना सच में चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि सिर्फ यौन उत्पीड़न ही नहीं और इनसे जुड़े कानून की धाराओं 376 बलात्कार व 498A दहेज और उत्पीड़न को कुछ महिलाओं ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। वर्ष 2014 में प्रकाशित दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में रिपोर्ट किए गए 53% रेप के मामले झूठे थे। सच कहूँ तो आज समाज में कानून का गलत इस्तेमाल कुछ महिलाएं और कुछ लड़कियां व्यक्तिगत दुश्मनी या सबक सिखाने के लिए कर रही हैं। इसकी वजह से बेगुनाहों को जेल काटनी पड़ रही है। ऐसे में पक्षपाती व्यवहार को देश में बदलने की जरूरत है। ऐसे मामलों को लेकर बनाए गए कानून में संशोधन करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस कानून से समाज में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा ना मिले और लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास बना रहे, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है।